हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में। आज हम बनाएंगे एक स्वीट रेसिपी जो है मिल्क कालाकंद। तो चलिए अभी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कालाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क, शुगर, वैनिला एसेंस, इलायची पाउडर, लेमन जूस और गार्निश करने के लिए कुछ आलमंड्स और पिस्ता लिया है मैंने। सबसे पहले हम पनीर बनाएंगे, तो उसके लिए एक बर्तन में 1 लीटर मिल्क को हम बॉईल कर लेंगे। कुछ समय के बाद ये देखिए दूध जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके लेमन जूस डालेंगे, जब तक कि ये दूध जो है अच्छी तरह से फट ना जाए। इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। ये देखिए ये दूध फट के पनीर बन चुका है। अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे और इसे वॉश कर लेंगे ताकि पनीर में से खट्टा टेस्ट निकल जाए। अब एक कढ़ाई में हम 1 लीटर दूध को लेकर इसे बॉईल कर लेंगे और इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक इसका क्वांटिटी आधा ना हो जाए। ये देखिए जितना हमने मिल्क लिया था वो बॉईल होने के बाद उसका क्वांटिटी आधा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार शक्कर, इसे भी हम ये मिल्क के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। शक्कर मिक्स होने के बाद इसमें डालेंगे वैनिला एसेंस, इसे भी दूध के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये इलायची पाउडर, इसे भी हम ये दूध के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिक्स होने के बाद गैस का फ्लेम हम लो कर लेंगे। अब इसमें ये पनीर डालेंगे। ये देखिए जो पनीर को हमने स्ट्रेन करने के लिए रखा था उसे ठंडा होने के बाद इस तरह से मैश कर लिए हैं। अब ये दूध में ये पनीर को डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक पनीर जो है वो सारा मिल्क सोख ना ले। कुछ समय के बाद ये देखिए जो पनीर जो है वो सारा मिल्क अब्सॉर्ब कर चुका है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे सेट करेंगे। अब सेट करने के लिए एक बॉल में हम हल्का सा घी डालेंगे और इसे एक ब्रश की मदद से चारों तरफ को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। घी लगाने के बाद अब ये जो कालाकंद को इसमें डाल देंगे। अब इसे एक स्पैटुला के हेल्प से चारों तरफ को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसे सेट कर लेंगे। ये देखिए ये हम लोग का अच्छे से सेट हो चुका है।
अब गार्निश करने के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे ये एलमंड्स और पिस्ता। इसे अच्छे से स्प्रेड करके डाल देंगे। अब इसे भी इस स्पैटुला के हेल्प से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद लगभग 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद ये देखिए ये हम लोग का सेट हो चुका है। अब इसे हम एक स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए।